माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर रोल की रेसिपी। लंच का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ आज पनीर रोल। और मेरी जो हेल्प करने वाले वो है मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड चॉपिंग कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते गाइज, मेरे हस्बैंड को चॉपिंग करना बहुत ही मस्त लगता है। चॉप कर रहे सब वेजिटेबल को, फिर मैं फ्राई वगैरह करूँगी और फिर आगे आगे आप देखते रहना। शिमला मिर्च कट कर रहा हूँ एकदम लंबे लंबे तरीके से, जैसे रोल में डालते हैं पटल की तरह। अभी तो फिलहाल तो चॉपिंग वगैरह चल रही है और उसके बाद हम मैं आटा गूंथूंगी। और दोस्तों पनीर भी डाल रहे हैं, पनीर रोल पनीर तो होना चाहिए। गाइस यहाँ पे हमारी जो कटिंग थी वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। ऑनियन और पनीर और ये है शिमला मिर्च और टोमेटो। अब इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम आटा गूंथेंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे। सो आप देखते रहना। अब मैंने तेल गरम करने के लिए यहाँ पे रख दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ मैं फ्राई करते समय कौन कौन सी चीज़ यूज़ करूँगी आप देख सकते हो, सब मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी और आपको बताती जाऊँगी। और ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई, और अब हम डायरेक्ट ऑनियन ही डालेंगे इसमें। ऑनियन और शिमला मिर्च जो है वो दोनों फ्राई हो चुके हैं। इसको तेज आंच पे एक मिनट के लिए भूनना है। अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो, और अब इसमें जाएगा पनीर। तो गाइस पनीर को एक मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक टीस्पून सोया सॉस, आप देख सकते हो 1 टीस्पून। हाँ, 1 टीस्पून हम डालेंगे ये सेजवान चटनी। और थोड़ा सा डालेंगे हम ये टोमेटो केचप, आप देख सकते हो। अब हम तीनों को मिक्स करेंगे अच्छे से। स्वाद को बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर थोड़ी सी डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब हम इसको एक मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे सारे मसालों को। खाएंगे, हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। अब हम बनाएंगे इसका आटा गूंथेंगे पहले, फिर तो पनीर रोल स्टफिंग रेडी। हमारा आटा गूंथ के रेडी हो चुका है और थोड़ी मोटा ही रखना है हमको। सो गाइस अब हम रोटी को बेलेंगे अच्छी तरीके से, और फिर नॉर्मल रोटी होती है ना उस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सेक लेंगे हम। इसी तरह सारी रोटियां पहले बना लेंगे अच्छी तरह से, और देख सकते हो।
और अब हम इस रोटी के ऊपर सेजवान चटनी और मेयोनीज और सॉस तीनों को मिक्स करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। और अब हम बीच में डालेंगे, मतलब जो स्टफिंग रेडी की थी ना वो हम, मतलब पनीर की, वो हम रोटी के बीचों बीच रख देंगे अच्छी तरह से, पूरा भर कर रखना है। और आप देख सकते हो कितना ही प्यारा लग रहा है, तो खाने में कितना प्यारा लगेगा। और फिर हम इसको मतलब बंद कर देंगे, ऐसे रोल बना देंगे इसका इस तरह से, आप देख सकते हो। फिर हम इसको वापस दोबारा सेकेंगे। हमारे जो रोल थे वो रेडी हो चुके हैं, दो तो रोल रेडी हो चुके हैं। अब मैं मतलब शर्व करने के लिए ले जाऊंगी। आप देख सकते हो हमारे जो पनीर रोल थे वो रेडी हो चुके हैं, और अब हम इसको मतलब मेयोनीज के साथ या सॉस के साथ मतलब सर्व कर सकते हैं। और आप भी ज़रूर बनाएं अपने घर पर, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। सो गाइस, ये मेरे रोल थे, आप देख सकते हो कितने प्यारे बने हैं। और अब मैं इसको खाने वाली हूँ, और ये हमारा लंच टाइम है। सो ये हमारे पनीर रोल थे, आपको कैसा लगा? आप ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं इससे तो वेट नहीं हो रहा है और मैं खाने जा रही हूँ। और अगर आपको भी खाना हो तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मतलब पनीर रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू सून।